हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको क्रिस्टीना रोजेट्टी ने लिखा हुआ पोयम द रेनबो, इसे मैं आज आपको इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट करते हैं मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, रेनबो को हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए इंद्रधनुष कितना सुंदर होता है आप हम सब लोग जानते हैं। जब बारिश आके ठहर जाता है तो आसमान में नीले गगन में इंद्रधनुष छा जाता है। वो इतना मन लुभाता है कि हर एक को उसे ठहर के देखने का मन करता है। इस पोयम में क्रिस्टीना रोजेट्टी ने यह कहा है कि बादल और जो बादल जो आसमान में या गगन में तैरते हैं और जो इंद्रधनुष स्वर्ग से लेके धरती से स्वर्ग तक का एक रास्ता, काल्पनिक रास्ता हम रहने बनने का जैसा हमें एक आभास दिलाता है या विश्वास दिलाता है, हमें एक तरह का खुशी दिलाता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि चाहे मानव अपने उपलब्धि चाहे जितना भी कर ले, लेकिन भगवान की सृष्टि के जितना सुंदर वह कुछ वैसा सृष्टि वह नहीं कर सकता। इसमें उन्होंने बादलों को नाव और जहाज से जोड़ा है और उन्होंने इंद्रधनुष या रेनबो को उन्होंने एक ब्रिज से जोड़ा है। मतलब ब्रिज जो रास्ता मतलब दो तटों के बीच एक वह एक ब्रिज बनाता रास्ता बनाता है उसे जोड़ा है। और देखिए अभी मैं आज आपको अभी आपको यहाँ मैं हार्ड वर्ड्स जो इस पोयम में यूज हुए उनको इंग्लिश टू हिंदी में आपको बताऊंगी। देखिए फर्स्ट ये है नौका, नाव है, ये जहाज है। छोटे बच्चों के लिए यह थोड़ा इजी अंडरस्टैंड होता है। यह वो ये दे सेल, सेल मतलब वो तैरते हैं या चलते हैं भी हम कह सकते हैं। देखिए ये क्लाउड्स मतलब बादल है, ये इंद्रधनुष है, सतरंगी होता है, हम सब जानते हैं इंद्रधनुष सतरंगी होता है। ये पेड़ पौधे, यहाँ धरती, ऐसे इसे मैंने किया है। देखिए रेनबो का मतलब है इंद्रधनुष, बोट मतलब नाव, शिप मतलब जहाज, क्लाउड मतलब बादल, रिवर मतलब नदी, सी मतलब समुंदर, सेल मतलब जल यात्रा, ब्रिज मतलब पुल, हेवन मतलब स्वर्ग, अर्थ मतलब धरती, स्काई मतलब गगन, ट्री मतलब पेड़, रोड मतलब मार्ग। और देखिए यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है प्रिटी, प्रिटी मतलब सुंदर। उन्होंने यह कहा कि ईश्वर की जो सृष्टि है वह बहुत सुंदर है, प्रिटी है, प्रिटी है, इस तरह से उन्होंने कहा है। देखिए अभी मैं आपको ये दो स्टैंजा में है ये पोयम है, ये फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा। इसमें बोट और जहाज को क्लाउड्स के साथ कंपेयर किया है, इसे ब्रिज यानी पुल को रेनबो के साथ कंपेयर किया है। देखिए बोट्स सेल इन द रिवर्स, देखिए नदियों में नावें चलती है। देखिए बोट्स मतलब नावें, सेल मतलब तैरती है, इन द रिवर्स मतलब नदियों में चलती है। देखिए ये इन के प्रीपोजिशन है, यह एक संबंध सूचक शब्द है। इन दोनों में बोट्स और रिवर्स के बीच में ये जो सेल होता है उसका एक रिलेशन वह क्रिएट करता है। देखिए नदियों में नावें चलती है एंड ships sail ऑन द seas, देखिए और ships मतलब जहाज, सेल मतलब वो चलते हैं या तैरते हैं, ऑन द सीज, सेल का मतलब यूजुअली जल यात्रा होता है, सेल ऑन द सीज और समुंदर में जहाजें चलती हैं। देखिए इन और ऑन, ये उसमें ये उसके ऊपर चलती है, इसका यह मतलब होता है। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन क्लाउड्स मतलब बादल, दैट सेल जो सेल्स सेल्स जो तैरते हैं, देखिए आसमान में बादल तैरते हैं या चलते हैं, सेल्स अक्रॉस द स्काई पूरे आसमान के ऊपर वो चलते हैं। देखिए अक्रॉस, देखिए इसको प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ये फ्रेजल वर्ड भी हो सकता है। देखिए यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, पूरे ऐसे हम इसे अक्रॉस उसके पूरे आसमान पे इसका अर्थ होता है, अक्रॉस द स्काई मतलब आसमान, लेकिन जो बादल आकाश में तैरते हैं आर प्रिटियर फार देन दिस, आर मतलब हैं, क्या प्रिटी, प्रिटी मतलब सुंदर, प्रिटियर मतलब यह है कंपैरिजन, उससे भी सुंदर, प्रिटियर
प्रिटी प्रिटियर प्रिटीएस्ट, ऐसे इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है। देखिए फार देन दिस, इन से भी, फार मतलब दूर, इसका यहाँ पे इसका फार का मतलब है बढ़कर, देन ये कंपैरिजन वर्ड है, फार देन दिस इन से भी, यहाँ दिस मतलब यहाँ पे दिस का मतलब है क्लाउड्स मतलब बादल, इसका अर्थ निकल के आता है। आर प्रिटियर फार देन, इनसे कहीं ज्यादा सुंदर है। देखिए नेक्स्ट, देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, मतलब देर मतलब वहां पे, आर मतलब है, क्या है ब्रिजेस, ब्रिजेस मतलब पुल, ऑन द रिवर्स, और देखिए यहाँ पे ऑन फिर से आया है, ऑन द रिवर्स, रिवर्स नदियों के ऊपर क्या है ब्रिजेस है, नदियों पर पुल है, हैं एज प्रिटी एज यू प्लीज, मतलब एज का मतलब जैसे, एज प्रिटी एज यू प्लीज मतलब आपके मन को आनंदित करने वाले, प्लीज मतलब है संतोष करना, देखिए हमारे मन को लुभाने वाले जितनी सुंदर क्या है पुल, पुल है जो मानव निर्मित पुल है। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, बट लेकिन द बो, देखिए धनुष, ये जो धनुष है दैट ब्रिजेस हेवन मतलब स्वर्ग, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज पेड़ों को जोड़ता है, लेकिन धनुष स्वर्ग और पेड़ों को जोड़ता है, देखिए स्वर्ग और पेड़ों को वह क्या करता है जोड़ता है इंद्रधनुष, एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, एंड बिल्ड्स ए रोड और धरती से गगन तक मार्ग बनाता है, एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, देखिए इस तरह से इंद्रधनुष पूरे आसमान में छाकर, आसमान से जमीन से ऐसे इस तरह से वह पूरे आसमान को वह छाया हुआ रहता है, इसी तरह वह जमीन से या धरती से आसमान तक या स्वर्ग तक का वह रास्ता बनाता है, वह देखने के लिए हर एक को बहुत अच्छा लगता है, मन लुभावन लगता है। देखिए इस तरह क्रिस्टीना रोजेटी ने इस पोयम को लिखा है, आपको आप इसी तरह से हर पोएम्स को ट्रांसलेट करना सीखिए, आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।